कुछ चीज़ों का नाम जैसा होता है वैसा उनका काम नहीं होता। पॉइजन बेरीज, नाम से पॉइजन बेरीज लगता है जैसे पॉइजनस होंगी, पर आइए देखते हैं क्या ये वाकई पॉइजनस होती हैं। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज हम जानेंगे पॉइजन बेरी आयुर्वेदा में जिसे बृहती कहते हैं उसके क्या लाभ हैं। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। ऑल्सो इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लघु पंचमूल के एक एक ड्रग को पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बृहती। अगर आपने मेरा लघु पंचमूल पे वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाके देखें। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि बृहती को आचार्यों ने किस किस गण में रखा है। आचार्य चरक ने बृहती को कंठ है, हिक्का निग्रहण, शोथर, अंगमत प्रशमन में वर्ग में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने बृहती आदि और लघु पंचमूल गण में रखा है। आचार्य वाग्भट ने बृहती आदि में रखा है। इसका बॉटनिकल नेम है सोलानम इंडिकम, फैमिली सोलानसी। संस्कृत में से हम बृहती शुद्रभंटाकी सिंघी वार्ता की बुलाते हैं। शुद्रभंटाकी क्योंकि इसका बहुत छोटा शूप होता है, और सिंघी क्योंकि इसकी कंठ है प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए सिंह के समान इसका उच्च स्वर हो जाता है हमें इसको कंज्यूम करने से। और वार्ताकी क्योंकि बैंगन के सदृश छोटा शूप होता है। हिंदी में से हम बड़ी कटेरी और वनमंटा बुलाते हैं, बंगाली में व्याकुट और गुजराती में उभी रिंगनी। तो आइए जानते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। इसका शूप बैंगन के सदृश 3 से 6 फुट ऊंचा और अनेक शाखा प्रशाखा युक्त होता है। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और इसके जो पत्र होते हैं वो 3 से 6 इंच लंबे, 1 से 4 इंच चौड़े और लटवाकार रोमश होते हैं, और इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। पुष्प होते हैं वो मंजरी में नील वर्ण के होते हैं। अगर हम इंग्लिश में जो कलर से कंपेयर करें तो कुछ पर्पल कलर के होते हैं इसके फ्लावर्स। जिसके फ्रूट्स होते हैं वो गोल होते हैं और चिकने में सॉफ्ट होते हैं, कच्ची अवस्था में हरे होते हैं और वाइट कलर की रेखाएं होती हैं, और पकने पे पीले ऑरेंज ऐसे कुछ कलर के हो जाते हैं, और मूल भाग में त्रिकोणाकार आयताकार बहिर्दल लगे होते हैं, उन पे भी कांटे होते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। इसके भी चिकने 2 इंच व्यास के होते हैं, मीन सॉफ्ट होते हैं, और 2 इंच डायमीटर के होते हैं। इसकी हमें 2 वेराइटीज़ देखने को मिलती है, बृहती सोलानम इंडिकम जो कि हम पढ़ रहे हैं, एक और होती है श्वेत बृहती जिसका बॉटनिकल नेम है सोलानम टर्वम, जिसका शूप बड़ा तथा पुष्प श्वेत वर्ण के होते हैं और इसके लीव्स जो होते हैं वो कांटे रहित होते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि ये प्राय सर्वत्र पूरे भारत में होते हैं, और जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है सोलानिन, कैरोटिन, सोलानिडिन, लेनोस्ट्रॉल, सोलानोमार्जिन, सोलासोनन, ग्लाइकोअल्कोलॉइड्स, डायोजेनन, इन फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट, माल्टेज, सुक्रोज आर प्रेजेंट। तो आइए जानते हैं इसका रस पंचक। इसका रस होता है कटु तिक्त। इसका गुण होते हैं लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य, कटु विपाक। और दोषकर्म यह है कि ये उष्ण वीर्य है तो इसके कारण ये कपात चामक होता है। तो आइए शुरू करते हैं, हम जानते हैं इसके कर्म और उसके क्या क्या प्रयोग हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कफ वात शामक होते हैं, तो इसका मेनली जो यूज़ होता है वो कफ वातिक विकारों में होता है। सांस्थानिक कर्म जो है इसके वेदना स्थापन, कंडुग्न, केश और उत्तेजक है। तो वेदना स्थापन होने से इसे हम वेदना युक्त अवयवों पर इसका लेप करते हैं। इंद्रलुप्त यानी हेयर लॉस में इसका रस यूज़ करते हैं। योनिकंडों में बृहती फल हरिद्रा, दारु हरिद्रा पीस कर योनि पूरण या धूम देते हैं। आभ्यंतर पाचन संसार डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, ये उष्ण है इसलिए ये दीपन, पाचन, ग्राही और कृमिघ्न करता है। इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, अग्निमांद्य, ग्रहणी, उदरशूल, अरुचि और कृमि रोग में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। फल का जो रस होता है इसको गोघृत और मधु के साथ देने से वमन रुकता है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन वॉमिटिंग। रक्त व संस्थान, ये हृदय उत्तेजक है, रक्त शोधक है, शोथर है, इसलिए हृदय दौर्बल्य, शोध, रक्त विकारों में यूज़ कर सकते हैं।
इसके जो बीज होते हैं उसका चून का नस्य लेने से संज्ञानाश दूर होता है। नेक्स्ट है श्वसनी संस्थान, इसके जो कर्म है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है वो है कफग्न, कासर, श्वासर। इसलिए इसका हम जो यूज़ है वो प्रतिशाय, काश, श्वास, स्वरबद्ध एवं हिक्का रोगों में ये प्रयोग करते हैं। मूत्र संस्थान, यूरिनरी सिस्टम पे जिसका इफेक्ट है वो है कि ये मूत्रल है, इसलिए मूत्र क्रच और अश्मरी में हम इसका यूज़ करते हैं। प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके जो बीज होते हैं वो गर्भाशय संकोचक होते हैं और ये वाजीकरण है, इसलिए ये रजोरोध, कष्ट प्रसव एवं सूति का रूप में यूज़ करते हैं। त्वचा पे जो इसका इफेक्ट है वो है ये कुष्ठग्न है, इसलिए इसका हम प्रयोग चर्म रोगों में करते हैं। तापक्रम ज्वरग्न है, इसलिए इसका हम प्रयोग ज्वर में करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका कौन सा अंग हम प्रयोग करते हैं। बेसिकली इसका हम मूल और फल मीन्स रूट और फ्रूट यूज़ करते हैं। इसकी जो डोज होती है जो क्वाथ की होती है वो 40-80 ml होती है, चून की 3-6 g होती है। इसके जो विशिष्ट योग देखने को मिलते हैं वो है बृहत्यादि क्वाथ और दशमूलारिष्ट, और वक्तव्य ग्रंथ में बृहति द्वय का उल्लेख मिलता है जिससे कंठकारी और बृहति का ग्रहण किया जाता है। तो आने वाली जो हमारी ड्रग होगी वो होगी कंठकारी। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा। डू फॉलो आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि कौन से चैप्टर्स में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।